भाई साहब रास्ते कुछ ज़्यादा ही नैरो हैं और सुंदर सा वाटरफॉल की झलक देखने को मिल गई है। ये पानी यहाँ पे बड़े बड़े पॉन्ड में इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, पाइप के थ्रू वहाँ जाता है, बड़े बड़े पाइप्स हैं जिसके थ्रू वो जोगिंदर नगर की साइड जाता है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट है और वहाँ पे टर्बाइन्स वगैरह हैं जहाँ पे वो बिजली बनती है। मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं हो चुका हूँ रेडी। आज मैं जाने वाला हूँ ब्रोड वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे ट्रॉट फिश की फार्मिंग होती है, यहाँ पे सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट भी है। ब्रोड वैली में छोटे छोटे गाँव है जो की घाटियों पे बसे हुए हैं। मैं जा रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो चलते हैं गाइस। बाइक अपनी खड़ी है बाहर, चेन मैंने लूप कर दी थी आज। वैसे अपना टो बॉक्स लेके जा रहे हैं साथ में और एक छोटा सा बैग, जिसे अपना गुजारा हो जाएगा। दो दिन का टूर है हमारा ओनली। ये बाइक हो गई अपनी ऑन। सो गाइस निकलते निकलते टाइम हो गया 10:50 और डिस्टेंस अराउंड है 94 किलोमीटर जहाँ पे हम जा रहे हैं ब्रोड वैली। मौसम आज धूप ही है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है बिकॉज आप सभी को पता है हिमाचल में चल रहा है विंटर सीजन, तो सुबह सुबह तो निकल नहीं पाते। धूप तो निकल आई वैसे, शॉर्टकट ही लेंगे बीच बीच के रोडों से ताकि थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए। फिर हम जोगिंदर नगर मंडी वाले हाईवे पे मिल जाएंगे अराउंड 35 किलोमीटर के बाद में जाके हाईवे। फिर बीच में मंडी से पहले हमें घटासनी करके एक जगह है, वहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न अंदर की तरफ जटिंगड़ी वाले रोड पे। किसी टाइम पे ये रोड यहाँ से बंद हो जाता था, ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ से मलबा बरसात के दिनों में आके इस रोड पे गिर जाता था, या सर्दियों में जब बहुत बारिश होती थी। अभी तो बारिश हो नहीं रही है सर्दियों में भी, पहले सर्दियों में बहुत बारिश होती थी तो फिर बसें जो होती थी वो कोना जगह है इधर वहीं पे रुकती थी। सो गाइस ये है घटासनी और ये गया हमारा रास्ता ब्रोड के लिए, और हमने ले लिया ब्रोड के लिए टर्न घटासनी से। और इस रास्ते से तो आप कैंपिंग के लिए भी हम आ चुके हैं पहले। ब्रोड जो है यहाँ से 20 किलोमीटर और दूर है, और ये देख लो भाई पहाड़ों पे जो रोड होते हैं ना, होते तो नैरो होते हैं बट सुंदर होते हैं। इस पे बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का अपना ही एक मजा है, थ्रिल है। पीछे जो ढाबे मिले रेस्टोरेंट मिले वहाँ हम रुके नहीं हाईवे पे, हमने सोचा आगे रुकते हैं और आगे से फिर हम लिंक रोड पे आ गए रोड वाले पे। अभी इधर कुछ मिल नहीं रहा है, देखते हैं कितनी दूर और चलना पड़ेगा तब जाके मिलेगा पता नहीं। न्यू पंजाबी रसोई तो मिली है और यहीं कर लेते हैं लंच। रिवर सॉन्ग होम स्टे टिकन, या होम स्टे भी होता है, रिवर सॉन्ग है नाम होम स्टे का, ले लो भाई। तो ये है न्यू पंजाबी रसोई करके है ना, खा लेते हैं कुछ ना कुछ तो। और यहाँ से ना देख लो अंदर कहीं सुंदर बना रखे ना, लकड़ी का पूरा काम कर रखा है, लकड़ी के लगा रखे ना पूरे। यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए बट कुछ खाने के लिए तो उपलब्ध नहीं है, तो हमने की है चाय ऑर्डर, चाय और कॉफी ऑर्डर। 10-12 किलोमीटर पे वैसे ब्रोड तो हम पहुँचने वाले हैं, उसके पीछे कुछ मिल जाएगा तो वहाँ रुक के हम लंच कर लेंगे। और हमने मंगाया गर्म पानी पीने के लिए, गर्म पानी पीते हैं थोड़ा सा, सुबह से पानी भी नहीं पिया है ना, जब से घर से चले हैं तब से पानी भी नहीं पिया है। और भाई टेम्परेचर इधर का ना 5-6 डिग्री है इस टाइम, पूरे हाथ ठंडे हो रखे हैं, नाक की तो छोड़ ही दो। चाय पी ली है अभी चलते हैं। मौसम बादल हो रखे हैं और 30 को बोला है ना, तो बोला बारिश होगी 70% चांसेस हैं, तो मेरे को लग रहा है कि हो ही जाएगी है ना। ये न्यू पंजाबी रसोई में तो कुछ खाने का मिला नहीं, फोटो में तो बहुत कुछ लगा रखा है इन्होंने। चलो भाई बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, पहाड़ी इलाकों में 1st, 2nd, 3rd गियर से ऊपर जाती नहीं है। और देख लो भाई पहाड़ों पे ना बादल होना स्टार्ट हो गए, और बारिश हुई तो बर्फ भी पड़ सकती है ना, ब्रोड में भी बर्फ पड़ती है। इन पहाड़ों के उस पार कुल्लू है ना, कुल्लू मनाली के पहाड़ हैं, इन यहाँ से ट्रैक भी है कुल्लू के लिए इन पहाड़ों में से, जब ब्रोड पहुँच जाएंगे तो वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। इस जगह का नाम लचकंडी है। ऐसा कुछ मिला नहीं कि मैं रुक के लंच कर लें, वैसे टाइम अभी 2 ही बजे हैं, तो गाइस कर लेते हैं लंच। इधर मिला एक और रेस्टोरेंट हमें, लंच कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, वैसे ब्रोड पहुँच चुके हैं। तो आ गया अपना लंच और लंच करते हैं अभी, ब्रोड तो हम पहुंच ही गए हैं वैसे। सो भाई लंच हो गया है और अभी चलते हैं, देखते हैं पहले वाटरफॉल है ऊपर, या तो वाटरफॉल जाएंगे या तो सीधा आगे ब्रोड है, ब्रोड जाएंगे पहले कुछ तो करेंगे। ठंड है भाई, हवाएं चल रही हैं, बादल हैं, बोलते हैं कि चांसेस हैं अगर कल बारिश हुई बाकी जगह पे तो इधर शायद बर्फ गिर सकती है। डिसाइड किया है आगे एक वाटरफॉल है,
लपास वाटरफॉल है, वहीं जाके आते हैं पहले। तो भाई रोड कुछ ज़्यादा ही मेरे को एडवेंचरस लग रहा है, आगे का 2 किलोमीटर है आगे और ना, तो आज फिर से ऑफ रोड करने को मिल गया। इधर ऐसे रास्ता है ऊपर तक के, लूज पत्थर ना मिले बस, बाकी तो हो जाता है। गाइस मैं पहुंच चुका हूं लपास गांव में, और यहां से शायद 15 मिनट का ट्रैक है लपास वाटरफॉल तक का। इस बाइक यहीं खड़ी कर दूंगा आगे मैं ना, और उसके बाद में पैदल ही जाएंगे हम। पब्लिक ने भी इधर खड़ी की है तो हम भी इधर खड़ी कर दे। हाँ यहीं खड़ी करनी चाहिए हमें। सो गाइस ये है लपास गांव जो ब्रोड वैली में है, और देख लो भाई कितने सुंदर घर हैं यहाँ के गाँव के। ये जो विलेज है लपास, ये नागेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। भाई वाटरफॉल तक का रास्ता ना कुछ ऐसा है, यहाँ से उतरना है, नीचे जाना है, यहाँ से उतर के जैसे भाई जा रहा है नीचे, यहाँ से हमारे लिए तो नॉर्मल है वैसे, ज़्यादा कष्टदायक रास्ते नहीं है। और पीछे नीले कलर का जो टेंट है ना उसके नीचे जाके वाटरफॉल। चलो वाटरफॉल की जो साउंड है वो सुनाई देने लगी है, तो शायद नीचे है भाई, भाई। तो यहाँ से है भाई, अभी तो यहाँ तक तो थोड़ा सा पक्का रास्ता था, यहाँ से बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है। भाई साहब रास्ते कुछ ज़्यादा ही नैरो हैं, और सुंदर सा वाटरफॉल की झलक देखने को मिल गई है। और नीचे जाएंगे भी वाटरफॉल के पास में। अभी बारिश भी नहीं हुई है पिछले 4-5 महीनों से, फिर भी इस वाटरफॉल में इतना पानी ना, बर्फ गिरी है। अगर जब बारिश बुरिश हो ना बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें। अरे भाई साहब दिल खुश हो गया, हाँ ये देखो भाई दिल खुश हो गया, दिल भाई मजा आ गया भाई। और जगह भी बड़ी खूबसूरत है ना, ये लपास कैफे भी है इधर यहाँ पे। तो गाइस अभी चलते हैं और आगे चलते हैं ब्रोड वैली की तरफ, और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और यहाँ का। अभी यहाँ कोई दुकान दुकान तो खुली नहीं है, बट बहुत अच्छा है यहाँ बैठने के लिए, कैफेज भी मिल जाएंगे। और देखो ये टेबल्स भी लगा रखे हैं इन्होंने नदी के किनारे ना, आगे भी बना रखी है इन्होंने। देखो चलते हैं भाई, अभी अभी जाना भी आगे, और टाइम 3:46 हो गया ऑलरेडी मेरे ख्याल से, और ज़्यादा बिकॉज ब्रोड पहुँच के भी घूमना है, इधर ही टाइम लग जाएगा, तो फिर आगे क्या देखेंगे जाके, इसलिए चल रहे हैं हम अभी। चलो मिलते हैं आपको बाइक के पास में। सो गाइज टेम्परेचर है 5-6 degrees और पूरे पसीने निकल रहे हैं। वाटरफॉल थोड़ा नीचे जाके था, जाते टाइम तो ठीक है उतरना ही था, आते टाइम जो चढ़ाई चढ़ी ना पूरे कपड़े अंदर से पसीने से भीग गए हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। हाँ तो चलते हैं गाइज, अलविदा बोलते हैं इस गांव को और आगे जाते हैं ब्रोड। देख लो भाई लोगों के मकान, लोग बैठे हैं अपने घरों में, और ये देखो धूल इस रोड पे कितनी धूल है, ये रोड ही ऐसा है। चलो भाई भाई, ऑलमोस्ट अब मेन हाईवे नीचे दिखने लगा है। अभी हाईवे नहीं, मेन रोड जो है नीचे दिखने लगा है, हाईवे तो बोल नहीं सकते इसको, हाईवे थोड़ी है लिंक रोड है, बट यहाँ से देख लो खूबसूरती। इस रोड पे ना और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हल्के हल्के से पत्थर हैं और धूल है। मैं पहुँच गया हूँ रोड में अभी, और देखो भाई कैंप तो बहुत सारे लगा रखे हैं नीचे नदी के किनारे, और मेरे ख्याल से कुछ बना भी रखा है उधर पौंड टाइप के, दो बड़े बड़े पौंड है वहाँ पे आगे से है,
उधर से नीचे से जा सकते हैं देखने के लिए, तो वहीं से जाएंगे। और आज कम्प्लीटली बादल हो चुके हैं, आफ्टरनून तक तो धूप थी बड़ी अच्छी, बड़े ही सुंदर लग रही है ब्रोट वैली यहाँ से। तो नया होटल बन गया कोई, अब रूम्स इसमें भी मिल ही जाएंगे अगर लेना चाहे तो। हमारा प्लान अभी तक कहाँ रुकने का है ये हमने कुछ सोचा नहीं है, सोचेंगे थोड़ा सा, पहुँच जाते हैं मेन जगह पे। और ये है नीचे ब्रोट की मार्केट, हाँ ये है ब्रोट की मार्केट ना। देखो लोग आग सेक रहे हैं भाई, ठंड का अंदाजा आप लगा खुद लगा सकते हैं आग। 4 बजे हैं अभी दिन के। और ये है डैम जो उल रिवर पे बना हुआ है, यहाँ पे बिजली का उत्पादन भी होता है और ट्रोट फिश की फार्मिंग भी होती है ब्रोट में। देवदार की लकड़ी की खुशबू आ रही है इधर, इसके काम हो रखा ना इधर होटल्स में। और आगे देख के आते हैं आगे क्या है। और यहाँ एक पाइप है ना जिसमें से पानी निकलता है आगे चल के। और ये देखो वाह क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, ये है वो पाइप, इसमें से अभी नहीं निकल रहा, बरसात के मौसम में तो निकल रहा था। और विकल्प तो ढूंढने पड़ेंगे, 4 बज चुके हैं रहने के। अभी जो मैं हूँ ना उल रिवर के किनारे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे बैठा था। तो ये जो है इस साइड जो है ये मंडी है, और इस ब्रिज को अगर क्रॉस करके आप उस साइड चले जाओगे ना तो आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है उस साइड। तो देख लो यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट मंडी और यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और जो बसेस वगैरह खड़ी है ना उस साइड में। अभी जाएंगे नीचे सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है वो देखेंगे जाके, और यहाँ ट्रोट फिश की फार्मिंग होती है वहाँ पे, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ना वहाँ पे फार्मिंग होती है ट्रोट फिश की, वहाँ तक जाएंगे और नीचे जो है सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है वो देख के आएंगे। और तो ब्रोट में देखने लायक ये है, बारिश बर्फ़ कोई गिरी नहीं है इधर, नहीं तो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है, बर्फ़ गिरती है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इधर पहुँचते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ यहाँ पर आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे, देखने की होम स्टे रिवर व्यू होम स्टे मिल जाएंगे। और ये ब्रिज खूबसूरत है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी को आपस में कनेक्ट करता है, उस साइड भी घर ही हैं लोगों के, गांव ही हैं। और आगे जाओगे तो बस ऐसे ही होम स्टे टाइप मिल जाएंगे नदी के किनारे किनारे चलते जाओगे तो। और ये वो पाइप है मैंने बताया था ना, ये है वो पाइप जहाँ से ना पानी का फवारा निकलता था, बरसात में आया था तब तो निकलता था, अभी नहीं निकल रहा था, ऐसे निकलेगा फवारे की तरह पानी फिर बंद हो जाएगा फिर निकलेगा, वैसा था ये। और पासकोट देवता जी का मंदिर भी है तो ऊपर जाके इधर देख लो भाई, ये पूरा बिजली का इनका यहाँ पे है। पहले तो ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड के अंडर में आता था, अभी का नहीं पता मुझे। सो गाइस देखो अभी एक और बात पता चली है मुझे, ये जो पानी जा रहा है ना ये देखो ये पानी जा रहा है सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट के लिए, हम बोलते हैं ब्रोट में है सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट, तो बिजली यहाँ नहीं बनती है, बिजली सनन में बनती है जो कि जोगिंदर नगर के पास में है जगह। ये देखो ये पानी यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट में इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, पाइप के थ्रू वहाँ जाता है, बड़े बड़े पाइप हैं जिसके थ्रू वो जोगिंदर नगर की साइड जाता है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट है, और वहाँ पर टर्बाइंस वगैरह हैं जहाँ पर वो बिजली बनती है, ये देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट तो देख लिया, अभी चलते हैं आगे ट्रोट फिश की जो फार्मिंग है ना वो देखते हैं चल के। बर्फीली हवाएं हैं ठंडी हवाएं, देखो हाथों की क्या हालत हो रखी है, और देखो लोग इधर आग सेक रहे हैं आग। और ये है डैम, मेन डैम इन्होंने इधर बना रखा है, उसके नीचे वो उसके सब डैम जो होते हैं ना वो बना रखे हैं छोटे छोटे,
और मेन पानी इधर इकट्ठा किया जाता है, यहीं के थ्रू वो लेके जाता है नीचे तक पाइप्स के थ्रू या जैसे भी उन्होंने सिस्टम बना रखा है उसके थ्रू ना। अब उधर खड़े होके देखते हैं, पूछते हैं इधर ट्रोट फिश की फार्मिंग कहाँ होती है, इनसे पूछते हैं, मैडम इधर ट्रोट फिश फार्मिंग होती है ना, कहाँ होती है वो, आगे जाना पड़ेगा। इधर कोई बोलते हैं इधर होती है, जो मेन इनका जो डैम है ना वो इधर है, वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद चलेंगे हम आगे। ये है मेन डैम जो इन्होंने बना रखा है इन पहाड़ियों के बीच में, और बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। मैं दिखाऊं कैसे आपको, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। हाँ ये देखो, ये आप देख सकते हैं ना बारिश की बूंदें, ये देखो हल्की हल्की गिरने लगी हैं। इसका मीनिंग यहाँ बारिश होगी या बर्फबारी होगी है। रोड में यहाँ होती है रोड फिश की फार्मिंग, मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश नीचे है, मैं भी इधर होंगी मछलियाँ। उधर देखिए भाई को कोई मछली, हाँ भाई कहाँ है, हाँ यार नीचे है ना, अंदर इधर बहुत ज़्यादा है, ये देखो यहाँ दिख रही है, बट वो ये कि जूम करना पड़ेगा मुझे। ये है ट्रोट फिश, शायद आपको दिखनी होगी, हाँ ये सब ट्रोट फिश है जिनकी फार्मिंग यहाँ होती है ब्रोट में ना। ये सारे फार्म ही हैं दोनों साइड, ये भी फार्म है ट्रोट फिश का ही फार्म है। यहाँ से ना लोग लेके भी जाते हैं, बांटते भी हैं, यहाँ से लेके जाते हैं मछलियाँ। ये देखो बहुत ज़्यादा है इधर तो, आप भी बहुत ज़्यादा हैं इधर भी हैं, आप दूर से दिख नहीं रही है, अगर तो धूप हो तो दिखेगा पानी। जैसे इस टाइम मौसम भी बादल हो रखे हैं और पानी भी बिल्कुल काला है, ऐसा लग रहा है इधर ऊपर से ना, धूप हो तो फिर दिख जाएगी आपको। ये देखो हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, देखो मैंने घटासनी से टर्न लिया था ब्रोड के लिए, घटासनी यहाँ से है 25 किलोमीटर, और यहाँ से बीड भी जा सकते हैं। बीड अगर इस रोड से चले जाएंगे सीधा आगे बीड में निकलेंगे जाके, बीड 49 किलोमीटर है, और बड़ा गांव 16 किलोमीटर है। ये है विश्राम गृह, ब्रोड का जो विश्राम गृह है, अपनी बाइक वहाँ खड़ी है, यहाँ पे भी रूम मिल सकते हैं यार लेने के लिए, था यहीं रुकना है क्या, आगे चलना है, क्या हाल है, कैसे हैं आप, लोकल हैं इधर के? हम तो आए हैं थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले आए हैं। आपको कितने दिन की छुट्टियां पड़ी हैं स्कूल में, कितने दिन की छुट्टियां हैं स्कूल में? 42 डेज की छुट्टियां हैं इधर, भाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी अच्छा, 12 फरवरी को जाएंगे। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे का कुछ प्लान कुछ फिक्स तो नहीं है, देखते हैं आगे, कहीं 2-3 जगहें हैं, गांव हैं, बहुत सुंदर लोकेशंस हैं, तो रात का स्टे करने वहीं करने की सोच रहे हैं अभी तो। तो अभी हम जा रहे हैं बड़ा ग्राउंड की साइड, देखो ये ट्रेडिशनल हैंडमेड सोल्स बनाते हैं इधर। तो गाइस देखते हैं, तो ये दुकान है भैया की, सुरेंद्र हैंडलूम्स हैं, देखो यहाँ पे वो सोल्स बन रही हैं, देखो बना रहे हैं सभी, ट्रेडिशनल सोल्स बनती हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, दीदी बना रही हैं सोल्स, ये ट्रेडिशनल सोल्स है ना सारी। एक सोल कितने टाइम में बन जाती है? एक दिन में एक सोल्स बना देते हैं आप। और ये धागा कहीं से बाहर से मंगाते होंगे? ये सब ऊनी धागा होता है ना, सुरेंद्र हैंडलूम है ब्रोट में, वहाँ पे बनती हैं बंदे सोल्स। ये देखो ना बना के लगा भी रखी है, ये भी यहीं की बनाई हुई है ना भैया? अच्छा लोकल बना, आप इसको फिर आगे कहीं भेजते भी हैं बेचने के लिए या इधर ही बेचते हैं? पीस होता है ना ये मतलब यहीं पर लगता है। अच्छा यहीं के मतलब ओके बाहर जाता है शॉल स्टॉल
यही लोकल में बेचते हैं आप और लग ही जाता होगा टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट ले जाते हैं क्योंकि हाँ जो घूमने के लिए जब सीजन होता है, सीजन तो अभी भी है पर बर्फ नहीं गिरी तो कम आ रहे हैं टूरिस्ट है। यहाँ आते हैं मई जून में ज्यादा। तो ये सब बना रखी है और इनके प्राइसेस क्या रहते हैं अराउंड, जनरल आइडिया हो जाएगा ना पब्लिक को, कोई आएगा देख के लेने के लिए तो। जैसे स्टोर होगा हमारा ये 500 का। अच्छा जी। बहुत पड़ेगी 1400-1500 की पड़ेगी। ओके ओके। जैसे हमारा जो लोकल लिप होता है पट्टू बोलते हैं इसको। पट्टू हाँ जी। हाँ जी। ये 4500 से लेकर 15000 4000 से 15000 तक। का प्लान ऐसा है कि यही रुक जाते हैं ब्रोड में, सोच रहे हैं बिकॉज आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा, मुझे काम भी करना है कुछ पर्सनल, लैपटॉप पे तो नेटवर्क होगा तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। सो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर है अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।